जोहार दादा, मोर नाम पवन सावासी है के, गांव हितु टोला पार्टोली प्रखंड खुटी है के। ई जे सेमिया लता पौधा मन के देखा था, ई प्रधान दादा मनक सहयोग से 2010 ईस्वी में लगल जा है। ई सेमिया लता पौधा में ईसन ला कर खेती होयला, लहा कर उत्पादन बढ़ाए के लिए और किसान कर गरीबी स्थिति के दूर करे के लिए प्रधान संस्था सेमिया लता पौधा लगवा है। सेमिया लता पौधा तो हमरे 2010 से लगाए शुरू कर रही और 2011 में एक फसल ले चुकली और 2012 में तो यह लगा ही तैयार हो चुके और उन्हें काटते जाती। अब सेमिया लता पौधा में लहा कर खेती कर एक वैज्ञानिक तरीका से बहुत आसान है। ई सेमिया लता पौधा छोट है कर कारण से परिवार कर कोई भी सदस्य यहाँ लहा खेती के सही समय पर देख रेख कर सकेना। सेमिया लता पौधा में लहा चढ़ाए और उतराए बहुत सुविधा होला। ई लहा में दुश्मन कीट और बीमारी के देखे बहुत आसान होला और दुश्मन कीट और बीमारी के हटाए के लिए समय समय पर स्प्रे करे भी बहुत आसान होला। ई सेमिया लता पौधा में कुसमी लहा जून जुलाई में लगाए से बहुत अधिक फायदा होला। ई सेमिया लता बहुत उपयोगी पौधा है के, पहला तो एकर से लहा खेती होला और दूसरा में ई पत्ती बन जा है। ई मिट्टी में सड़ के मिट्टी कर उपजा शक्ति के बढ़ाएला, खाद कर काम देला। ई सेमिया लता पौधा कर साथ साथ उकर बीच में हमरे कुछ साग सब्जी भी खेती कर सकीला। देखा एकन तो हमरे मन इकर बीच बीच में तरबूज के लगाए दे ही। ई लहा तो आप तैयारे हो जा है, अब इके हमरे काट देवे, तब तक में ई पौधा तैयार होतले ई फसल भी तैयार हो जाए। तो यह लेखे सेमिया लता के साथ में कुछ कुछ बीच उच में खेती लगा दिले हमरे मन के दोहरा फायदा होला। इकर से सेमिया लता पौधा कर भी देखभाल हो जाएला, कोड़ा उड़ा होला, इकर में तो घास उस भी पूरा साफ होला और पौधा भी अच्छा ग्रोथ होला, अच्छा बढ़ेला और स्वस्थ होला पौधा। स्वस्थ पौधा होले लहा सुंदर धरे ना और किसान के अधिक फायदा होला। झारखंड कर सब किसान दादा दीदी से मैं यही आग्रह करना कि अगर तोहरे मन के पास खाली जमीन आए तो सेमिया लता पौधा के लगावा और लहा कर खेती करके अच्छा उत्पादन करा और तोहरे मनक आर्थिक स्थिति के सुधरावा और जीवन स्तर के ऊंचा उठावा। इतने ही मैं कह के अंत करत हूँ। तोहरे के जोहार। संचारण से पहले इस तरह से सेमिया लता पौधा का साफ किया जाता है, ऊपर से एक फीट छोड़ के, क्योंकि ये साफ नहीं रहने से इसमें जैसे इस तरह है उसमें लाह का दुश्मन कीट छुपा हुआ रहता है और लाह को नुकसान पहुंचाता है। और ऐसे पत्ता में लाह ना का संचारण ना हो कह के इसको पत्ता पहले साफ कर देते हैं और रोग का लगने का संभावना कम रहता है पत्ता साफ रहने से। पौधा को इस तरह से साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद पत्ता एक जगह पौधा की जगह ही रहना चाहिए, क्योंकि ये पौधा घास को नहीं निकलने देगा और ये खाद का काम करेगा। लाख का बिहन इस तरह से संचारण किया जाता है, प्रति मीटर 5 ग्राम के हिसाब से सेमिया लता का पौधा में संचारण किया जाता है। इस तरह से करके संचारण करने से सभी पौधा में एक साथ बराबर से कीड़ा चलते हैं। ऐसे करके बांधा जाता है ताकि एक साथ सभी टहनियों में लाह का कीट बैठ सके। उसके पश्चात हम लोग ऊपर से जहाँ से हम लोग पत्ता छोड़े हुए रहते हैं वहाँ पर रुई लपेटते हैं लाह का कीट न चढ़े। इसलिए रुई इसलिए लपेटते हैं क्योंकि नीचे तो पौधा तैयार है, लाह
आराम से इसमें से रस चूस सकता है, लेकिन ऊपर यहाँ से ऊपर पौधा पूरा खाली रहता है, अंदर इसका माजा तैयार नहीं है। अगर ऊपर बैठेगा तो पौधा नुकसान हो सकता है। ये बिहन जो संचारण किए हैं इसमें 21 दिनों तक लाह का कीड़ा निकलता है, लेकिन हम लोग एक सप्ताह में आके देखते हैं कि इसमें पूरी तरह से बैठ गया होता है तो ये इस बिहन लाह को निकाल के दूसरा पौधा में हम लोग रोटेशन कर देते हैं, ताकि जो लाह में बचा हुआ कीड़ा दूसरा पेड़ में हम लोग का बैठे और हम लोग का लाह बना के दे। मेलाता पौधा में हम लोग कुसमी बिहन लाख का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुसमी बिहन लाख ही ज़्यादा उपज देता है सिमियलता पौधों में, और इसको 15 से 20 दिन के पश्चात फुंकी उतार देते हैं। फुंकी उतारने के पश्चात हम लोग 28 दिन में ही पहला स्प्रे पम्बाट नामक कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, जो 14 लीटर पानी में 28 ml और 3 ग्राम बेबिस्टिन डाल करके जो घोल तैयार करते हैं उसमें हम लोग लाह बैठे हुए डंटी में स्प्रे करते हैं, जो फुहारों में होना चाहिए और लाह पूरी तरह से भींग जाना चाहिए। इसका जो दूरी है वो नोजल और डंटी से 1 फीट का दूरी होना चाहिए। दूसरा स्प्रे हम लोग 60 से 65 दिन में करते हैं, जो 14 लीटर पानी में नुआन 6 ml और बेबिस्टिन 3 ग्राम का मिश्रण कर घोल बना करके हम लोग जो सफ़ेदी हुए लाह रहता है उसको धोते हैं, और उसमें भी ध्यान देना चाहिए कि जो लाह है और नोजल का दूरी 1 फीट का दूरी होना चाहिए और सफ़ेदी धुल जाना चाहिए, जिससे उसमें लगे दुश्मन कीट और रोग हट जाता है और हम लोग का लाह बहुत बढ़िया उपज देता है। इमरजेंसी दवाई उस समय देते हैं जब लगातार 1 सप्ताह तक बारिश किया या 1 सप्ताह तक कुहासा किया, उस स्थिति में 14 लीटर पानी में 3 ग्राम बेबिस्टिन का घोल बना करके हम लोग इस लाह में इस दवा का छिड़काव करते हैं, जो कि उसमें लगे फुफंद और रोग हट जाता है और हम लोग का लाह सुरक्षित रह जाता है। लाह जब तैयार होता है उस समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि उस समय दौली से या टांगी से नहीं काटना चाहिए, सेकेट्रियर से ऐसे मतलब केवल लाह को भर काटना चाहिए, बिहन के लिए विशेष करके कीड़ा देख के ही काटना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ कीड़ा को देख रहे हैं, ऐसे कीड़ा पहला कीड़ा देख के ही हम लोग को लाह बिहन काटना चाहिए। लाह को हम लोग बिहन का रूप में ही इस्तेमाल करने से किसान भाइयों को और हम लोग को ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि ये लाह के साथ में डंटी भी का भी पैसा हम लोग को मिलता है। जोहार आजा नुतुम दो फूलमणि बारला ताना हातो हुसीर डेलगाटोली ताना पंचायत हुसीर ताना पोस्ट पाटपुर ताना आले ने हातो रे खेती बाड़ी अलावे रे हाडो ई लाहा कोले चालताना बेसे दिन सीधा आले लाहार आले खेती तेना मेन दो इमनांग लाहा काको नाम धाड़ी जाना ना आले 10-12 साल सीधा ते लाहा खेती ले होका कादा 2010 रे प्रधान दादा को हुसी डेलगा टोली को सेटर जाना आडो वैज्ञानिक तरीका ते लाहा खेती को सिखाओ के ले सोबने ते सीधा दादा को बारू लहा को अवल ले हर एन बारू लहा के दो दड़ी दारू रे को राकाप रिक ले मैंने का दो दड़ी दारू मापरंग ताइन और अचलते आले दीदी को दादा को के दो लहा चाचल रे कले सहयोग धाड़ी तेना सलंगीर अचलते आले लहा मा आरे नागी अड़गू रे ना रानू छिटकाव रिगी आले सहयोग काले एम धाड़ी तेना 2011 रे प्रधान रे दादा को हिजू लेना आर लाहा खेती लई मेनते निया से मिया लता दारू के रोय लई मेनते कूद बदले ने से मिया लता पौधा दो दड़ी दारू लेका का मापरांगुगा एनर आते अबो दीदी को हो वैज्ञानिक तरीका ते मजा लेका ते लाहा बो चल धड़िया को ने से मिया लता दारू हुपडी रा चलते अबो दीदी को होगी आसानी ते लाहा बो रकम धाड़ी हट ओ समय समय रे रानू रा छिड़काव बुरिका धड़िया दारू हुपडी रा चलते आले दीदी को बुगी लेका तेनियर आदेक भाल ले रिका धाड़ी तना और बहुत अच्छा लहा बिना को आले ने हुसीर डेलगा टोला नाव दीदी को सेमिया लता ले लगाओ कदा
लगभग 5,500 पौधा सेमिया लता रन लहा इमनंग मजा में ना को अची आले इनको के लेल के ते इसु पूरा गिले रस के ताना सेमिया लता रन लहा खेती के लेल के ते आले जिनिन रे इसु पूरा परिवर्तन हो बाले का अटकर उताना आई आई लेकन किसान दादा दीदी को ते अनुरोध ताना ची यदि अगर फली जगह में ना दो सेमिया लता पौधा लगाए पे और ओना रे लहा लगा को पे हर हट ओ आप जिनिन के परिवर्तन पे जोहार।